वेलकम बैक। हम लोग देख रहे थे थर्मल इंजीनियरिंग यूनिट थर्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में कि आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, इसके द्वारा वर्क डन कितना होता है, चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक पहले टर्म समझते हैं, आइसोबारिक होता क्या है। तो इन दिस आइसो का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट, और बार जो बार होता है वो प्रेशर का यूनिट होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो इस प्रोसेस में जो आइसोबारिक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वैसा प्रोसेस जिसमें अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। तो हम लोग को याद रखना है कि आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, इट मीन्स पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम लोग देखते हैं कि जनरल गैस इक्वेशन क्या था। जनरल गैस इक्वेशन हम लोग डिस्कस करते हैं, जनरल गैस इक्वेशन। तो इससे पहले हम लोग इस डायग्राम को समझते हैं। ये क्या है, हम लोग का सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर में पिस्टन लगा हुआ है और सिलेंडर के अंदर गैस भरा हुआ है। जब इसे हम नीचे से हीटिंग करते हैं, हीट देते हैं, तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या होगा आपस में, अगर इसमें अगर हम प्लस क्यू करते हैं, ठीक है, प्लस क्यू, प्लस क्यू का मतलब क्या हो गया, हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जो गैस मॉलिक्यूल्स है इसका क्या होगा, अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर इससे हम हीट को निकालते हैं, हीट सप्लाइड, हीट इससे हम बाहर निकाल रहे हैं, हीटिंग कम कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम भी घटेगा और टेम्परेचर भी घटेगा। तो ध्यान रखना है प्लस क्यू के केस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और वॉल्यूम घट रहा है तो टेम्परेचर भी घट रहा है माइनस क्यू के केस में। तो यहाँ पे क्या है, हम पी वी टी हम डिस्कस कर लेते हैं। पी वी टी रिलेशन का, पी वी टी रिलेशन क्या होता है। पीवीटी रिलेशन बोलने का मतलब हुआ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्या है। तो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, वेयर पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, एम फॉर मास, आर इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट और टी फॉर टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस पीवीटी रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पी वन वी वन इक्वल टू बाई टी वन इक्वल टू पी टू वी टू टी टू। इसको हम किस तरह लिखें, यहाँ पे देखिए मास क्या है, हम लोग का मास क्या है, फिक्स्ड है। और सपोज करते हैं मास को हम वन के लिए लेते हैं, m का वैल्यू क्या हो गया वन, r क्या होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, तो इसका वैल्यू भी फिक्स्ड है। ये दोनों को मैंने कांस्टेंट मान लिया, m और r को। तो एक सब्सटेंस के लिए, एक सिस्टम के लिए p p का वैल्यू p1 v1 t1 हो गया, और सेकंड के लिए p2 v2 t2 हो गया, अगर दो सिस्टम की हम बात करते हैं। तो इसमें है जिससे जान रहे हैं कि इसमें क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो पी बराबर सी हो गया कांस्टेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी वन टी वन इक्वल टू वी टू टी टू। एक नया रिलेशन यहाँ पे आ गया, वी वन टी वन इज इक्वल टू वी टू टी टू, वी वन टी वन इज इक्वल टू वी टू टी टू। तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे आइडियल गैस इक्वेशन, तो उसमें हम लोग देखे थे बॉयल्स ला, चार्ल्स ला, एवोगाड्रो ला। तो
तो ये बताइए कि जो इक्वेशन है हम लोग को क्या डिनोट कर रहा है, कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है? यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो कौन सा लॉ था बताइए, कौन सा लॉ था? चार्ल्स लॉ। कौन सा लॉ था? चार्ल्स लॉ। तो वी वन बाई टी वन इज इक्वल टू वी टू बाई टी टू होता है। तो इसमें देखते हैं इसमें बर्डन क्या होगा। इससे पहले हम लोग ग्राफिकली से देख लेते हैं इसका ग्राफ किस तरह से बनता है। ये अपना क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्रेशर वॉल्यूम। ये क्या हो गया, एक मिनट, एक क्या हो गया, प्रेशर, और नीचे में एक्स एक्सिस डिनोट कर रहा है वॉल्यूम को, वाई एक्सिस प्रेशर को। तो जब यहाँ पे क्या है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लोग ग्राफ किस तरह से बन जाएगा, जो प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है ना, यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। तो इसे हम एक्स एक्सिस से मिला देते हैं और इसे हम वाई एक्सिस से मिला देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज वी वन, दिस इज वी टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी वन बराबर पी टू बराबर पी। ये क्या हो गया, पी वन पी टू आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। इसमें लोग देखते हैं कि बर्कडन क्या होता है, वर्क डन। इस आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग इसको डिराइव करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डी वी होता है फ्लो वर्क। वहां पे हम देख रहे थे कि एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, पी वी, वेयर पी फॉर प्रेशर और वी फॉर वॉल्यूम और डब्ल्यू फॉर वर्क। तो यहाँ पर उसका हम क्या किए हैं, डिफरेंशिएट किए हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डी वी। तो यहाँ पे सिस्टम दो है, वन एंड टू, तो इसमें हम क्या करें, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ पी इंटू डी वी इंटीग्रेट करना है इक्वेशन वन से लेके सिस्टम वन के लिए और सिस्टम टू के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन वन से टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, प्रेशर अपना कांस्टेंट है ना, तो प्रेशर को हम बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी वन से टू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी वी टू माइनस वी वन। तो यहाँ पे बर्कडन कितना आ गया, पी वी टू माइनस वी वन, दिस इज द बर्कडन इन द केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। तो आपका वर्कडन का फॉर्मूला आ गया आइसोबारिक प्रोसेस के केस में। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन में क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, ये होता है। तो दो अलग अलग सिस्टम के लिए क्या लिखेंगे, पी वी वन इज इक्वल टू एम आर टी वन और पी वी टू इज इक्वल टू एम आर टी टू, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो मेरा वॉल्यूम चेंज होगा और टेम्परेचर चेंज होगा, एम आर भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, अगर यह इक्वेशन इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर पी हम कॉमन लेते हैं क्या देगा, वी वन माइनस वी टू,
इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम आर टी वन माइनस टी टू। ठीक है, तो ए जो इक्वेशन आपका आ गया, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो एक नया हम लोग को बगडन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो बगडन क्या होता है, सिस्टम बगडन फ्रॉम सिस्टम वन से सिस्टम टू, एम आर टी वन माइनस टी टू। तो हम लोग का एक नया फॉर्मूला आ गया बगडन का, एम आर टी वन माइनस टी टू। ये दो फॉर्मूला हम लोग क्या निकला, बगडन का इन द केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसमें इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो नेक्स्ट हम लोग का इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी के केस में क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, डी यू बराबर, अगर दो सिस्टम की बात करते हैं तो मान लेते हैं फर्स्ट का इंटरनल एनर्जी यू टू है, सेकंड का इंटरनल एनर्जी क्या है, यू वन। हम इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करते थे, विच इज डिनोटेड बाय यू। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है एम सी वी टी टू माइनस टी वन, या हम इसको लिख सकते हैं एम सी वी इंटू डी टी। अब सी वी क्या यहाँ पे है, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो यहां पे क्या हो गया, अब नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड हम किससे डिनोट करेंगे, क्यू से। हीट सप्लाइड हम लोग क्यू से डिनोट कर रहे हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। हीट सप्लाइड क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टोटल हीट बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो यहाँ पे हम लोग निकाला चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या निकाल गया, एम सी वी टी टू माइनस टी वन प्लस प्लस बगडन क्या निकाला, एम आर टी टू माइनस टी वन। ठीक है, अब देखिए हम अगर यहाँ पे एम टी टू माइनस टी वन अगर कॉमन लेते हैं, एम टी टू माइनस टी वन अगर हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बच जाएगा, सी वी प्लस में आर। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम लोग को पता होना चाहिए, एक मेयर इक्वेशन होता है, मेयर फार्मूला। मेयर फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू सी पी माइनस सी। एक क्या है सी पी माइनस सी वी, बोथ आर स्पेसिफिक हीट, सी पी हो गया स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और सी वी हो गया स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। R क्या हो गया यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। तो ए जो आपका जो वैल्यू आया R इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी, इस वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या आता है, एम टी टू माइनस टी वन सी वी प्लस सी पी माइनस सी वी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी वी और सी वी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, एम टी टू माइनस टी वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी पी। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बन गया, एम सी पी इंटू
इंटू टी टू माइनस टी वन, किसका फॉर्मूला आ गया, हीट सप्लाइड क्यू का, क्यू इक्वल टू क्या आ गया, एम सी पी इंटू टी टू माइनस टी वन। इन द केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस, और यहां पे क्या है, हीट सप्लाइड एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर, क्यू क्या है, हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। जो सिस्टम में अगर प्रेशर को हम कॉन्स्टेंट रखें तो हीट सप्लाइड क्या होगा, एम सी पी टी टू माइनस टी वन, एम फॉर मास, सी पी फॉर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और टी टू और टी वन क्या हो गया, दो डिफरेंट सिस्टम के लिए मास टेम्परेचर। और सेम फॉर्मूला हो जाता है, सेम फॉर्मूला हो जाता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, नहीं सॉरी, चेंज इन एंट्रोपी, सेम होता है क्या, एंथैल्पी का। तो एंथैल्पी को हम एस से डिनोट करते हैं, तो एच टू माइनस एच वन हो जाएगा। डी एच की बात करें चेंज इन एंथैल्पी का, एम सी पी टी टू माइनस टी वन, एक नया फॉर्मूला आ गया चेंज इन एंथैल्पी। तो हम लोग को आज देख लेते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला प्राप्त हुआ है आइसोबारिक प्रोसेस के केस में। तो फर्स्ट है हम लोग का बगडन का फॉर्मूला आया P V2 माइनस V1, देन बगडन का एक नया फॉर्मूला आ गया एम टी टू माइनस टी वन माइनस टी टू, उसके बाद इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आया एम सी वी डी टी। नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी हीट सप्लाइड का फॉर्मूला आया एम सी पी टी टू माइनस टी वन, और इसी को हम लोग इंथैल्पी पे यहाँ पे जानेंगे कि इंथैल्पी का भी फॉर्मूला सेम होता है एम सी पी टी टू माइनस टी वन। तो हम लोग आज हम लोगों ने क्या देखा, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, और इस केस में बगडन क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हीट सप्लाइड का फॉर्मूला क्या होता है, और इंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में। So thank you.